मैं प्रोफेसर अरविंद शुक्ला, मैं पंतनगर विश्वविद्यालय का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। बीच में मैं निदेशक शोध भी रहा। तो जो सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों के सामने आई है, जो हम लोगों ने देखी है, वो गर्मियों के माह में हरे चारे की उपलब्धता होती है। ज़्यादातर गर्मी के मौसम में हरा चारा शून्य हो जाता है, मिलता नहीं। तो उसके लिए जो इस नेपियर फसल की बात हो रही है, तो नेपियर एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है और मैं यहाँ देहरादून से निवास करता हूँ। यहाँ अपने खेतों में बैठा हूँ। अभी मैं आपको एक नई फसल के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा था। ये है जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं सुपर नेपियर। ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं नेपियर, सुपर नेपियर, हाइब्रिड नेपियर, CO5, अलग अलग प्रजातियां हैं। अलग अलग प्रदेशों में लोग इसे, किसान लोग लगा रहे हैं। हमने जो लगाया है, ये स्लिप टू स्लिप जो है, मेड़ा टू मेड़ा 2 फीट और लाइन टू लाइन 3.5-4 फीट हमारा गैप है। लोग 2x2 में भी आप इसको लगा सकते हो। ये नेपियर घास काफ़ी पहले 1960 के दशक में अफ्रीका के मूल से भारत देश में इंट्रोड्यूस की गई थी, लाई गई थी। उसी से विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ बनाई गई हैं। आजकल हाइब्रिड नेपियर भी बना लिया गया है, और हाइब्रिड नेपियर आपका पूसा में, कोयम्बटूर में, हरियाणा में, कई पंतनगर में, कई स्थानों पर हाइब्रिड नेपियर वैरायटीज़ आजकल आ रही हैं। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस फार्म पे, कि हाइब्रिड नेपियर एक अच्छा चारा है, इसको बहुत अच्छा चारा माना जा रहा है, और साल में पूरे वर्ष ये बना रहता है। एक बार यदि आप लगा दीजिए तो 7 वर्ष तक इसकी फसल आप ले सकते हैं। इसको बार बार उखाड़ने और लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है काटने में, और एक साल में 5 बार कटाई के हिसाब से लगभग 750-800 क्विंटल इसमें वजन है। और जो हमारे यहाँ 250-300 रेट है, उस हिसाब से किसान लगभग 2.5-2 लाख रुपए की फसल 1 बीघे से निकाल लेते हैं। मेड़े के हिसाब से है। और पहले 60 दिन हमने इसकी देखभाल करनी है। पहली कटाई लगभग 60 दिन में है। पहली कटाई में आपको 8-9 किलो मिलेगा, दूसरी कटाई में आपको 15-20 किलो मिलेगा, तो हर कटिंग पे आपका वजन बढ़ता जाएगा। यानी आपका एवरेज जो है, महीने 5 कटाई में साल का एवरेज जो 750-800 क्विंटल 1 बीघा, जो हिंदुस्तान की कोई फसल इतना वजन नहीं देती है और इस रेट नहीं बिकती है। देहरादून की ज़्यादातर डेयरियों में हमारा सक्रिय है। पहले अलग अलग चीज़ें देते थे, हर बार डेयरी वाले अपनी समस्या बताते थे, इसमें दूध घट रहा है, इसमें घट रहा है। जब से हमने ये शुरू किया, केवल और केवल हमारा चारा जा रहा पूरे देहरादून में।
तीन साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था एज ए किसान, जो मेरी क्षमता है। मैंने तमिलनाडु से इसको मंगाया, मैंने महाराष्ट्र से इसको मंगाया, मैंने हरियाणा से इसको मंगा के लगाया, वहाँ अलग अलग प्रजाति मिली। मैंने अपने प्रदेश उत्तराखंड से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी मैंने इसको लिया। तीन सालों में मेरा अनुभव जो था और उसमें जो सबसे बेस्ट प्रजाति थी उसको मैंने इसको आगे बढ़ाया। और अब स्थिति ये है कि लगभग 200 बीघा में मैंने केवल और केवल नेपियर। नेपियर घास जो है वो आपकी अफ्रीकी मूल की घास है, काफ़ी पहले भारत देश में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसी से एक हाइब्रिड बनाया गया है जो कि नेपियर और बाजरे का हाइब्रिड है, तो उसको ही इस फार्म पे लगाया गया है। वो कई वैरायटीज आती हैं, झांसी, पूसा, पंतनगर, कई जगह से डेवलप किया गया है, किंतु यहाँ जो लगाई गई वो CO नंबर की है, कोयम्बटूर ओरिजिन की नेपियर घास लगाई गई है, हाइब्रिड घास। पिछले तीन सालों का रिजल्ट ये है कि आज 14 मई है कि गर्मियों के सीजन में मेरे यहाँ खेत हरा भरा है, जबकि यहाँ पानी नहीं है, हालांकि एक दो बारिश हुई है। पशुओं के लिए ये बहुत ही एक उत्तम चारा है, हरा चारा तो है ही, साथ में ये प्रोटीन युक्त भी है। यदि आप इसको हरे चारे को खिलाते हैं तो लगभग उसमें 10% प्रोटीन, 21% फाइबर और साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम हो गया, आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये भी इसमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसको आप सुखा भी सकते हैं, यदि आवश्यकता हो तो इसको सूखा रूप में भी रख सकते हैं, और सूखे रूप में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें काफ़ी अच्छी होती है। इसमें फैट भी 14% होता है, कार्बोहाइड्रेट भी 16% से ऊपर होता है, प्रोटीन की मात्रा भी 20% हो जाती है सूखे चारे की वजह से। तो ये एक बहुत ही उत्तम चारा पशुओं के लिए है, पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं और दूध में भी एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि होती है। यदि आप इसको कई महीने खिलाते रहेंगे तो ये दूध में भी वृद्धि करता है। साइलेज भी बहुत अच्छा, पशु बड़े स्वाद से खाते हैं उसको। उपज की क्षमता बहुत अच्छी है, पौधा काफ़ी बड़ा होता है इसका, और काफ़ी उसमें आपको हर्बेज जिसको कहते हैं वो बहुत अधिक निकलता है। तो ये बहुत उत्तम चारा है। मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों से कि आपको यदि पशु हैं, जानवर हैं, डेयरी है, तो इस चारे को आप लोग अवश्य उगाएँ। मैं करीब 3 साल से देसी गायों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे पास छोटे बड़े मिला के लगभग 90 के करीब गोवंश है। पहले हमें हरे चारे के लिए बड़ा परेशान होना पड़ता था, क्योंकि गाय जो है वो हरा चारा बड़े प्यार से खाती है, लेकिन यहाँ पर देहरादून में 12 महीने हरे चारे की उपलब्धता बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभी तो हमें एक दिन में 5-6 हज़ार रुपये का हरा चारा लेना पड़ता था, और आम दिनों में जब उपलब्धता ज़्यादा होती है तभी भी हमारा 3-3.5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। उसके बाद मैं मिला प्रवीण भाई से, इनके यहाँ से मैंने सुपर नेपियर ले जाना शुरू करा। सुपर नेपियर जब से मैंने अपनी गायों को खिलाना शुरू करा, आप देख सकते हैं गाय की छोटी बच्चियाँ है, ये कितने प्यार से इसको खा रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और स्वाद बहुत अच्छा है, मिठास है इसके अंदर। इसकी वजह से गाय मेरी बड़े प्यार से खाती है। गाय प्यार से खाती हैं तो खुश रहती है, उससे उनके दूध की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। जिस घी को बनाने के लिए मुझे पहले 29-30 लीटर दूध चाहिए होता था, आज वो मेरा 24-25 लीटर दूध में मेरा 1 किलो घी बन जाता है देसी घी। मेरा ये कहना है कि जो भी किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पे, हमारे एड्रेस पे पता कर सकते हैं। कई माध्यम से, इंडिया मार्ट से और फेसबुक से,
यूट्यूब से हम ये वीडियो चला रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 1.5 रुपया यानी 1.50 रुपये पर स्लिप, तो ये इसका ही कीमत है। ये एकमात्र फसल है, अगर आपकी अच्छी फसल है, आपने देखभाल की, तो आप कीमत आपके हाथ में है। आप गरीब किसान का तमगा अपने ऊपर से हटा सकते हैं।